चंडीगढ़ में आज अखिल भारतीय समाचार पत्र वितरक महासम्मेलन एवं वितरक समाज के सामाजिक विकास एवं आर्थिक उत्थान को दिशा में विचार गोष्ठी की गई है। चंडीगढ़ समाचार पत्र विक्रेता के प्रधान मदन शर्मा का कहना है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य वितरित समाज को ऊपर उठाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि समाचार पत्र प्रिंट तो हो जाते हैं, लेकिन उनको लोगों तक पहुंचाना सबसे अहम कार्य है। इसी के साथ साथ उन्होंने ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के ऊपर भी बात की। उनका क्या कुछ कहना है, देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं भूमि चौधरी और आप देख रहे हैं आर्थ प्रकाश टीवी। पत्रकारिता, जिसको हमारे देश में चौथा स्तंभ माना जाता है, आपको बता दें कि एक पत्रकार को मीडिया के जरिए ही देश में लोगों तक खबरें फैलती हैं। और जो अगर बात करें प्रिंट मीडिया की, तो लोगों को जो वहाँ के संपादक हैं वो खबरें अपनी छाप तो देते हैं न्यूज़ पेपर, लेकिन वो लोगों तक कैसे पहुँच जाती है, ये एक अहम मुद्दा है। आइए इस दौरान हम बात करेंगे चंडीगढ़ के प्रधान मदन शर्मा जी से, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से न्यूज़ पेपर लोगों तक पहुँचाया जाता है। सर, पहले आपका प्रकाश जी पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज जो चंडीगढ़ में यहाँ पे मीटिंग की गई है, उसका क्या उद्देश्य है? जो चंडीगढ़ से मीटिंग की है, इसका उद्देश्य है वितरक समाज को हमने ऊपर उठाना। आज आपको पता हो, मीडिया ने जो पेपर प्रिंट होते हैं बांटने वाले ने, उन्होंने कभी पूछा नहीं है। अब हमारे पूरे देश के 17 राज्यों से अलग अलग यूनियन के लोग आए हुए हैं। हमारी एक यूनियन बनी है राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ हमारे 12 मुद्दे हैं, वो उनको हमने उसके पास सब प्रशासन के तक पहुँचाना है। पहले महाराष्ट्र में हो गया जी, ये पिछले हफ्ते झारखंड में हो गया, चंडीगढ़ के हम ये जो मुद्दे 12 मुद्दे हैं हम तक प्रशासन के बल को देंगे। आप, जैसे हमने कहा कि न्यूज़पेपर को बांटना एक बहुत बड़ा काम है, तो आप किस तरीके से इनको बंटवाते हैं, सर्कुलेट किस तरीके से लोगों तक ये पहुँचता है? ऐसे है जी, प्रिंट मीडिया छापने का काम कर लेती है, तो जो हम घर घर में पहुँचाएंगे उसका तो बहुत बड़ा एक अहम मेहनत का काम है। सर्दी हो, गर्मी हो, बीमार हो, तो हमें काम करना ही है। हमें सुबह 4 बजे उठ के आते हैं सेंटर पे, अपने लड़कों को काम कर देते हैं, जो काम है तो बहुत मेहनत वाला जी। अब देखा जाए तो डिजिटल मीडिया बहुत चल रहा है, अब पेपर भी ऑनलाइन आने लगे, उससे आप लोगों की बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बिजनेस में तो कम से कम कोरोना काल में भी 40% का फर्क पड़ा है। कोरोना के काल में ही जो डिजिटल में है तो काफी फर्क पड़ा है, उसमें नुकसान भी हुआ है। तो इसके लिए प्रशासन वो प्रिंट मीडिया भी देख रहा है, हम भी उसके बारे में सोच रहे हैं। इस मुद्दे पे बात वही हमारी जो अधिवेशन है राष्ट्रीय सत्र का, उसी के मुद्दे पे बात हो रही है हमारी। इस चुनौती का आगे किस तरीके से आप सामना करेंगे, आगे की क्या रणनीति होगी इस मीटिंग के दौरान? रणनीति तो यही है, अभी प्रशासन सॉरी प्रिंट मीडिया और वेंडर वितरक भाई पास में कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले जो अखबार के साथ साथ हमारा ये काम कोई करता रहे। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि अखबार छपते हैं, लेकिन उनको लोगों तक पहुंचाना बेहद ही कठिन कार्य है। उनको पहुंचाने के लिए इन्हें अनेक तरह की मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आर्थ प्रकाश टीवी पर। मैं अमित चौधरी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।